आपने शायद ऐसा सोचा भी नहीं होगा। इन्हें किसी तरह की आजादी नहीं चाहिए और इनके लिए वहां मौजूद सुरक्षा बल इनके परिवार का हिस्सा है। जाहिर है ये सुनने के बाद कश्मीर के खिलाफ अपना एजेंडा चलाने वालों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया होगा, लेकिन हम ऐसे लोगों के दर्द को आज और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग सीरीज का दूसरा हिस्सा ऐसे लोगों को आज रात चैन से सोने नहीं देगा। एक आम कश्मीरी यानी कश्मीर का आम आदमी आजादी नहीं चाहता, वो भारत को ही अपना देश समझता है, लेकिन हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी ये भावनाएं कभी नहीं समझता और ना ही आप तक पहुंचाता है। हम आपसे एक बार फिर से ये पूछना चाहते हैं कि एक कश्मीरी सच्चा देशभक्त क्यों नहीं हो सकता, और इस सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। हम एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो क्या है, मैं हिंदुस्तानी। हमारा मुल्क हिंदुस्तानी है। बाप दादा ने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है, हम भी मरने तब दम तक यही बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज काला दिवस मनाने वाले पाकिस्तान का मुंह काला हो जाएगा। यहाँ भी कभी आजादी के नारे लगते हैं कि आजादी चाहिए? नहीं, नहीं सर, बिल्कुल कभी नहीं लगाए सर हमने नारे। हमारा देश हिंदुस्तानी है। पत्थरबाजों को कश्मीर के सच्चे देशभक्त देशभक्ति वाला तमाचा लगाएंगे। मेरे हमारे लिए भी वही है जो आपके लिए है, हिंदुस्तान। हम बस हिंदुस्तान की वो हमारा मुल्क हिंदुस्तानी है। छियासी साल के गिलानी को 63 साल के देशभक्त कश्मीरी का जवाब। हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा। आजादी एक दफा जो मिली हिंदुस्तान में, जो मुझे एक दफा आजादी मिली, मैं उसी पर तुला हुआ हूं। मेरी 63 साल उम्र हो गई। जो नेता पत्थरबाजों को बेचारा कहते हैं, उन्हें आज नींद नहीं आएगी। कि जो बेचारे स्टोन पेल्टर्स हैं, उनके लिए कोई जनरल एमनेस्टी का मामला है, उसकी तरफ भी नजर आनी थी। जो हमारे साथ अच्छा करता है वो भी अच्छा करें, और अपना देश है, अपने देश के खिलाफ क्यों जाएं? अपने जिस देश में रह रहे हैं उसके खिलाफ क्यों जाएं? वहाँ का कायदा कानून उसको फॉलो करना तो हमारा फर्ज है। जो लोग सुरक्षा बलों को गालियां देते हैं वो आज रोएंगे। ये हम बाहर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जो सिस्टम है उस सिस्टम की बुनियाद झूठ पर है, फरेब पर है, मकर पर है, धोखाबाजी पर है, और ये सिस्टम जो है कि ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहे। हम अपनी फौज को अपने भाइयों की तरफ समझते हैं। हमारी हेल्प तो आर्मी में है या बीएसएफ में। आज कश्मीर में रिपोर्टिंग का 2 दिन वाला टूर करने वाले डिजाइनर पत्रकारों की पोल खुलेगी। नहीं आया सर, ये जी टीवी का हम बहुत शुक्रगुजार है कि पहली बार। शुक्रिया की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे देश के बड़े पत्रकार ना हमेशा कैमरा लेके कई जगह पहुंच नहीं आता है सर, कोई नहीं अभी तक आया, जिसके सामने हम प्रॉब्लम्स कहेंगे कोई नहीं आता है। कश्मीर के गुरेज को हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने से गुरेज नहीं है। मैं हिंदुस्तानी। मैं मौजूद हूँ इस वक्त कश्मीर के एक छोटे से गांव में, जो कि बहुत दूर दराज के इलाके में है। यहाँ से आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर आखिर है क्या, कश्मीर की जरूरतें क्या हैं, कश्मीरी किस हालात में रह रहे हैं, कश्मीरियों को क्या चाहिए, क्या उनको आज़ादी चाहिए। श्रीनगर से 123 किलोमीटर दूर भारत का असली कश्मीर बसता है, जिसका नाम है गुरेज घाटी। अगर कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है तो गुरेज घाटी क्राउन ऑफ कश्मीर है, यानी कश्मीर का मुकुट है। और जितनी खूबसूरत यहाँ की फिजाएं हैं, उतनी ही खूबसूरत सोच रखते हैं यहाँ के लोग।
एक ऐसी सोच जो उन सभी लोगों के मुंह पर कालिक पोत देगी जो श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते हैं, जो भारत से आजादी की बात करते हैं और जिनका मकसद भारत की तरक्की नहीं बल्कि अपने ही मुल्क की बर्बादी है। ऐसे सभी लोगों को आज असली कश्मीर और देशभक्त कश्मीरियों के दर्शन कराना बेहद जरूरी है। मेरे इस तरफ पाकिस्तान की दुर्मट चेक पोस्ट है और दूसरी तरफ लौसर चेक पोस्ट है और बीच में हम लोग खड़े हुए हैं। ये भारत का आखिरी गांव है। मेरे साथ कश्मीरी नौजवान मौजूद हैं, वो कश्मीरी नौजवान जो कि क्या कहना चाहते हैं इन्हीं से पूछ लेते हैं और इन्हीं से सुन लेते हैं। अब एक सवाल मैं आप सबसे पूछूंगा, आप कश्मीर के यूथ हो और हम लोग जब दिल्ली में बैठे होते हैं, हमारे दिल्ली में बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो बैठे होते हैं वो कश्मीर के यूथ को बस वही समझते हैं जो कि श्रीनगर में दिखाई देते हैं या श्रीनगर में जो झंडा लहराते नजर आते हैं। क्या आपके दिमाग में, वो कहते हैं आज़ादी आज़ादी की बात करते हैं, क्या आपके दिमाग में वो है या फिर आप हिंदुस्तान आपके लिए वही है जो मेरे लिए है? जी मेरे हमारे लिए भी वही है जो आपके लिए है हिंदुस्तान। हम बस हिंदुस्तान की वो हमारा मुल्क हिंदुस्तान ही है सर। जो आपने भी देखा होगा उन लोगों को कभी इस तरीके के नारे लगाते हुए? नहीं, ऐसा ऐसा हमारे दिमाग में कभी आया नहीं। बस हम ये चाहते हैं कि बेरोजगारी अगर हमारी ख़त्म हो जाए फिर तो हम तो हमारा देश तो हिंदुस्तान ही है। ये उस हिस्से में मौजूद हैं, कश्मीर में मौजूद हैं जिसकी एक तस्वीर पूरी दुनिया में दिखाई जाती है कि वहाँ आज़ादी की बात होती है। इनमें से कोई भी नौजवान भारत के अलावा कोई और बात नहीं करना चाहता है, भारत की सेवा करना चाहता है, बीएसएफ के साथ जुड़ना चाहता है, फोर्स के साथ जुड़ना चाहता है, उसे कोई और आज़ादी नहीं चाहिए, वो पूरी तरीके से आज़ाद है। सवाल यहाँ से खड़ा उन अलगाववादी नेताओं के ऊपर भी उठता है जो कुछ चंद हैं और अपने लिए, अपने कुछ खास लोगों के लिए इस तरीके से कश्मीर के पूरे नौजवानों को अपने साथ दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई उनके साथ पूरे कश्मीर के नौजवान हैं? आपको आज जवाब मिला और ये जवाब आज उन पत्रकारों के लिए भी है जो सिर्फ श्रीनगर को, डल लेक को पूरा कश्मीर समझते हैं और उससे आगे बढ़ने की जहमत उठा नहीं पाते। यही वजह है कि हम आज यहाँ पहुँचे हैं और इस जगह जहाँ की सामने पाकिस्तान की चेकपोस्ट नज़र आ रही है, नीचे खड़े कश्मीर के नौजवान क्या चाहते हैं और यही असल कश्मीर है। आप इस बात को भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, सिर्फ श्रीनगर कश्मीर नहीं होता है, कश्मीर ये है। पूरे देश तक देशभक्त कश्मीरियों की आवाज़ पहुंचाने के लिए हम कुछ और आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात इन लोगों से हुई जिनके पास श्रीनगर और डाउनटाउन के इलाकों में जाकर पत्थरबाजों का इंटरव्यू करने वालों के लिए तीखी बातों वाला तमाचा मौजूद था। कश्मीर की हम बात करते हैं तो हम लोग श्रीनगर की तो बात कर लेते हैं, वहाँ जो लोग नेता बनते हैं उनकी कर लेते हैं, यहाँ की बात नहीं करते। क्या ये कश्मीर नहीं है? ये भी कश्मीर है सर। एक बात खासकर बॉर्डर है सर। हाँ, मैं फिर वही पूछना चाह रहा हूँ, फिर ऐसा क्यों है सर? एक बात है, जब वहाँ अलकावादी उठे, गिलानी साहब उठा, वो तो नेता लोग भी समझते हैं शायद गिलानी जो हम बैठे हैं वही कश्मीर है। नहीं, कश्मीर वो नहीं है। कश्मीर करना है, गुरेज है, मसिल है, बहुत बड़ा एरिया है सर, बॉर्डर एरिया है, हम रहते हैं बहुत बड़ा एरिया कश्मीर है। कश्मीर वही श्रीनगर ही नहीं है, कश्मीर बहुत डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है और कश्मीर को अब वो तो उनका ही बात समझते हैं, जहाँ मीडिया होता है, जहाँ मीडिया पूछता है। अब आप यहाँ पूछ गए तो आपकी वसादत से हमने भी बातें चार की, जब हमारे पास मीडिया ही नहीं पूछा तो हम क्या बात करेंगे? अभी कोई बड़ा पत्रकार आपके पास नहीं, नहीं आया सर? ये जी टीवी का हम बहुत शुक्रगुजार है कि पहली बार। शुक्रिया की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे देश के बड़े पत्रकार ना हमेशा कैमरा लेके कई जगह पहुँच नहीं आता है सर? कोई नहीं अभी तक आया, जिसके सामने हम प्रॉब्लम कहेंगे कोई नहीं आता है। चलिए।